सो हे गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड ऐप। तो गाइज, यहाँ पे आज जैकबोर्ड की तरफ से एक नोटिस आई हुई है। एंड गाइज, थोड़े से एक क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बात करूंगा। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नोटिस मैं बता रहा हूँ क्लास 8, 9 और 11 वालों के लिए, ठीक है? तो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन में है कि जैसे कि आप लोग का सिलेबस जो है वो टर्म वाइज है, ठीक है? मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऐसा करके आप लोगों का सिलेबस है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि टर्म वन से ऑब्जेक्टिव आएगा और टर्म टू से सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? तो अगर आप 10th 12th में हो और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि कहीं से भी सब्जेक्टिव और कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया हुआ, अभी अगर आप लोगों ने वीडियो अगर देखा हुआ है मेरा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर नहीं देखा हुआ है तो आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है? तो मतलब मैंने वहां पे साफ साफ बोला था कि जो मतलब जैक बोर्ड की तरफ से एंड जैसे आरटी की तरफ से जो नोटिस हुआ था, जो आप लोग क्वेश्चन पैटर्न का जो ब्लू प्रिंट निकल के आया हुआ था, उसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि किस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आप लोग को पता चला गया होगा कि कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन आएंगे और क्या ही उनका पैटर्न रहेगा। अगर नहीं देखा हुआ है तो ये दोनों वीडियो जा करके देख लेना, वीडियो सेक्शन पे आना आप लोग, ठीक है? एंड वीडियो सेक्शन पे आने के बाद गाइज, आप लोग ये जो क्लास 8, 9, 11 वालों की ये वाला और क्लास 10th 12th वालों के लिए ये वाला, यहाँ पे साफ साफ नीचे में लिखा हुआ है। और आप लोग अगर ब्लू प्रिंट को डाउनलोड नहीं किया तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हुआ है, या फिर झारखंडलैब.com वेबसाइट पे मैंने शेयर कर दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और नीचे देखिएगा कि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कहीं से सब्जेक्टिव कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। वही 8th, 9th और 11th वालों का केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं से टर्म वन से ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर टर्म टू से सब्जेक्टिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहीं से सब्जेक्टिव कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड देखो यार, ये आप लोग का जो है आज का नोटिस है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मतलब 9th और 11th वाले का जो 2023 में, ठीक है, सत्र जो इनका 2022 से 24 रहेगा, उनके लिए जो पंजीयन फॉर्म फिलअप हो रहा है वो, ठीक है, तथा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10th और 12th का भी यहाँ पे है, ठीक है? 10th और 12th वाले बच्चे के लिए भी है। यहाँ देखिए, वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट जो 2023 में परीक्षा होगी उनके लिए भी है। यहाँ पे आई थिंक आप लोग का जो डेट को एक्सटेंड किया गया, देखिए यहाँ पे 9वीं और 11वीं के लिए जो है, जो 2023 में पंजीयन हो रहा है उनके लिए क्या है, विलंब शुल्क के साथ आप लोग का जो फॉर्म जमा करने का है वो 20/12/2022 तक है, ठीक है? वही जिला शिक्षा पदाधिकारी को अप्रूव करने का जो लास्ट डेट है वो 22/12/2022 तक है। चालान जनरेट करने की जो अंतिम तिथि है वो 23/12/2022 तक है। वही चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे 28/12/2022 तक है, ठीक है? विलंब शुल्क सहित मतलब लेट फाइन के साथ 24/12/2022 से 4/1/2023 तक है। वही आप लोग का अप्रूव करने का जो तिथि है, मतलब लास्ट डेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब 24/12 से स्टार्ट होगा, 24/12/2022 से 5/1/2023 तक। और चालान जनरेट करने की जो अंतिम तिथि है 6/1/2023 है, ठीक है? और बैंक में शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि है 9/1/2023 तक है, ठीक है? वही देखिए बोला जा रहा है, नोट 23 तारीख से, यानी कि 23 तारीख के बाद से आप लोग का जो चालान है वो विलंब शुल्क के साथ जनरेट कराया जाएगा, ठीक है? आप लोग यानी कि इस डेट के बाद से शुल्क आप लोग का जो चालान है वो लेट फाइन के साथ आप लोग से लिया जाएगा, ठीक है? वही यहाँ पे देखिए गाइस, वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रपत्र जमा करने का जो तिथि है वो यहाँ पे देखिए, इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या है, विलंब शुल्क रही थी, लेकिन बिना लेट फाइन के साथ ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं चालान जनरेट करने की जो तिथि है वो 20/12/2022 तक है। वही शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 23/12/2022 तक है, ठीक है? वही विलंब शुल्क के साथ यानी कि लेट फाइन के साथ 21/12/2022 से 4/1/2023 तक है। और लेट फाइन जो है, लेट फाइन के साथ मतलब शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6/1/2023 तक है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए गाइस, क्या बोला जा रहा है कि नोट 20/12/2022 के बाद जो है शुल्क जो है वो सारी चीजें यहाँ पे लिया जाएगा, शुल्क आपसे लिया जाएगा। यानी देखिए, उपयुक्त तो निर्धारित तिथि के बाद तिथि विस्तारित नहीं किया जाएगा और ना ही किसी भी आवेदन पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरता जाए, यदि किसी प्रकार की त्रुटि यानी कि नाम विषय आदि की जाती है तो इसके पूरे जिम्मेवार संबंधित संस्थान होगी, इस सुधारने के संबंध में अभिवादन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके नाम कुछ भी पे अगर विषय पे भी गलती हो जाता है आपके स्कूल कॉलेज से फॉर्म भरने टाइम, तो उसको सुधार नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले आप लोग चेकलिस्ट देख लीजिएगा, एंड चेकलिस्ट में सारी चीजें सही हो जाएंगी तो टीचर्स को बोलिएगा कि हाँ सारी चीजें मेरी सही है, उसको अप्रूव कर दीजिए, ठीक है?
देन वो लोग अप्रूव कर देंगे। एंड गाइस आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो देखिए, एडमिट कार्ड आप लोग का कब तक आएगा मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग देखोगे यहाँ जो लास्ट डेट है वो 9/1/2023 है, यानी कि 9वीं और 11वीं के लिए, ठीक है। और वही 10वीं और 12वीं के लिए क्या है, 6/1/2023 है। यानी गाइस अब आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी में, यानी कि 15 जनवरी या फिर 20 जनवरी या फिर जनवरी के लास्ट में आप लोग को एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। इसका कोई अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग का वो है, और फरवरी में एंड एंड में फरवरी में स्टार्ट हो सकता है आपका एग्जाम, एंड में लेकर के चलो या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा, जो बोर्ड एग्जाम में बता रहा हूँ, 10th और 12th का, ठीक है। वही 9th और 8th 11th वालों के जो एग्जाम है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2023 में ये है आप लोग का। और एडमिट कार्ड भी आप लोग का उसी टाइम आएगा जब आप लोग एग्जाम से 1 महीने पहले आप लोग का एडमिट कार्ड मिल जाएगा, एंड जो भी चीजें हैं 1 महीने या फिर 15 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग का डेट शीट वगैरह जैसे ही आता है मैं आप लोग को दे दूंगा। एंड कल जो डेट शीट आया हुआ था वो बिहार बोर्ड का था, तो उससे किसी का लेना देना नहीं है, ठीक है, ना जैक बोर्ड का ना कुछ और का। तो उसको कोई अगर रिलेट कर रहा है तो वो चीज नहीं है। आप लोग अपना डेट शीट जब भी आएगा मैं आप लोग बता दूंगा। लेकिन आप लोग का एग्जाम जो है फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में आप लोग का फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और उस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। एंड हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीजें मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी कंफ्यूजन रह रहा हो या फिर कुछ भी पूछना हो कमेंट में से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो गाइज।